हाय फ्रेंड्स मु संजय आपंक टेक्सम चैनल को स्वागत जनाऊँ। आज अपडेट नंबर रही 130। यही अपडेट विषय आलोचना करने पूर्व प्रथम सब्सक्राइब करूँ टेक्सम चैनल को एवं बेल आइकन को प्रेस करी ऑल को प्रेस करनी लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे देखापी। प्रथम अपडेट आरंभ करवा गोटे ब्रेकिंग न्यूज रु। ब्रेकिंग न्यूज टी रही डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फॉर मर्जर ऑफ प्राइमरी स्कूल इज क्वाश्ड टुडे बाय ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय मिश्रण को नहीं जो विज्ञप्ति प्रकाश पाई से विज्ञप्ति को आज ओडिशा हाईकोर्ट रद्द कर देछंती। एवं रही ऑल द टीचर्स एंड स्टाफ्स आर डायरेक्टेड टू रिवर्ट बैक टू देयर पेरेंट स्कूल। एवं जो स्कूल गुड़िक मर्जर लिस्ट था सही स्कूल रो टीचर एवं कर्मचारी मानों को कह जाउची जे यथाशीघ्र से माने निज निजर स्कूल को बैक कर जातु। तो निश्चित भाव एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट बा बड़ अपडेट जो आम परवर्ती अपडेट को रही। समग्र शिक्षा गंजाम छतरपुर तरफ लेटर नंबर रही 1562 डेटेड रही 23 4 2021। लेटरटी कराई ऑल द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स द डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर गंजाम। सब्जेक्ट रही सबमिशन ऑफ प्रपोजल फॉर कैरियर एडवांसमेंट पॉलिसी फ्रॉम जेटीसी टू जेटी हु हैज बीन एंगेज्ड बाय द रिजोल्यूशन नंबर 25605 डेटेड रही 26 12 2016। रेफरेंस नंबर रही गवर्नमेंट लेटर नंबर 15107 बाय एसएमई डेटेड रही 1 8 2011। मैडम सर विथ रेफरेंस टू द लेटर एंड सब्जेक्ट साइटेड एबव दिस इज टू इनफर्म यू दैट शिक्षा सहायक जेटीसी हु हैज कंप्लीटेड 3 years ऑफ कंटिन्यूअस एंड satisfactory engagement at JTC will be considered for appointment as a junior teacher। तो जो शिक्षा सहायक माने निरवच्छिन्न भावे 3 वर्ष चाकरी काल समाप्त करछंती सेमानंकु कनिष्ठ शिक्षक भावे नियुक्त कराजिबो। इन दिस कंटेक्स्ट देयरफॉर यू आर hereby request to furnish proposals of JTC who will be completed 3 years of continuous and satisfactory engagement आज जेटीसी आज 30-5-2021। तो 30-5-2021 सुधा जो जेटीसी माने 3 वर्ष पूरण करछंती सेमानकर प्रपोजल को सबमिट करिया पई निर्देश रही। आफ्टर प्रॉपर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टेस्टिमोनियल्स एज पर द एग्जिस्टिंग गाइडलाइन अंडर कैरियर एडवांसमेंट पॉलिसी एज आउटलाइंड बाय द गवर्नमेंट इन एस एंड एम ई डिपार्टमेंट बाय रिजोल्यूशन नंबर 15607 डेटेड 1 8 2011। दि प्रपोजल्स मस्ट बी सबमिटेड बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी विथ फॉलोइंग रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो प्रपोजल को आमर विथ बोथ सॉफ्ट कॉपी रे एवं हार्ड कॉपी रे सबमिट करा जिवो एवं ता सहित किछि सर्टिफिकेट एवं रिपोर्ट मध्ये दिया जिवो। सेपरेट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिया जिवो एवं जदि कौन जेटीसी ट्रांसफर होता तो ट्रांसफर ऑर्डरटी से सबमिट करा जिवो। डॉक्यूमेंट्स रही परफॉर्मेंस रिपोर्ट हिस्ट्री सीट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स एंगेजमेंट ऑर्डर आज एसएस ट्रांसफर ऑर्डर्स इफ एनी जदि थाए होई थाए ट्रांसफर एग्रीमेंट पेपर ईयर वाइज 2019-20 20 21 ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाय दी बीओ स्टाम्प पेपर ओनली। तो 2019-20 एवं 2021 एग्रीमेंट पेपर मध्य सबमिट करा जिवो। दि प्रपोजल मस्ट बी सबमिटेड बिफोर 8-5-2021। तो यही प्रपोजल को 8-5-2021 सुधा सबमिट करने निर्देश रही। तो निश्चित भाव में जेटीसी मान एक खुशीर खबर जो मैंने 2018 पोस्टिंग पाई से खूब शीघ्र जेटी भाव एनगेज होगापी जामर परवर्ती अपडेट को। बड़ अपडेट काली ठारू उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िकर ग्रीष्म छुट्टी। कोरोना जोगुं आसंता काली बा 5 तारिख ठारू उच्च शिक्षानुष्ठान खरा छुट्टी घोषणा करा जायछि। मे 5 तारिख रु 31 तारिख पर्यंत खरा छुट्टी घोषणा करा जायछि। राज्य उच्च शिक्षा विभाग अधीन आसुथिबा समस्त शिक्षानुष्ठान गुड़िकर ग्रीष्म छुट्टी घोषणा करा जायछि। एने राज्यर सबु विश्वविद्यालयर कुलपति मानकु चिठी करा जायछि। सबु सरकारी और बेसरकारी डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल मानकु मध्ये चिठी करा जायछि। खरा छुट्टी नहीं उच्च शिक्षा सचिव शाश्वत मिश्र चिठी करछंती। तो निश्चित भाव में एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट प्रथम शिक्षक शिक्षा निर्देशालय ग्रीष्म छुट्टी लेटर आसला एवं वर्तमान उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िक ग्रीष्म छुट्टी आरंभ होगा जाऊँगी कालीठारू किंतु एपर्यंत विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर कौन नोटिस आसीपारी नाही ग्रीष्म छुट्टी संबंध में। आज आम परवर्ती अपडेट को। द्वादश श्रेणी पिला जेकोसी विषय नहीं पारे सीबीएसई अनुबंधित विद्यालय रे युक्त दुई रे एडमिशन ग्रहण करुवा छात्र माने जेकोसी स्ट्रीम आर्ट्स साइंस वाणिज्य विषय गुड़िकर मिश्रण चयन करें। सीबीएसई यार नूतन प्रकाशित मूल्यांकन मानदंड रे उल्लेख कर बोर्डर अध्ययन योजना अनुजाई छात्रार्थी मान कौन स्ट्रीम बिना विषय मिश्रण प्रदान करने को अनुमति दि जाएगी, तेणु विद्यालयगुड़िक मध्य सामान अनुसरण करने उचित। यही समय सीबीएसई अधिकारी कहते यह निष्पत्ति नुआ नुहे एवं बोर्ड विषयगुड़िक स्ट्रीम कर छात्रछात्री सुविधा दोहरा जाइए। विद्यालय में शिक्षादान कर सर्त जड़े छात्र गोटे भाषा एवं जेकोसी चारोटी चयन करें। बोर्ड द्वारा दि जाता विषयगुड़िक मध्य एक अतिरिक्त षष्ठ विषय निर्दिष्ट सिलेबस अनुसार प्रदान अध्ययन कर। बोर्ड मूल्यांकन मानदंड प्रकाश कर श्रेणी दशम बोर्ड परीक्षापी जहाँ बातिल होइछि। सीबीएसई मूल्यांकन मानदंड अनुसार शिक्षावर्ष अनुष्ठित परीक्षा एवं परीक्षा में मिलता मार्क आधार में छात्रछात्री मानक मूल्यांकन कर। प्रत्येक विषयपी सर्वाधिक 100 मार्करू छात्रछात्री मूल्यांकन कर। आभ्यंतरीण मूल्यांकन भाव में विद्यालयगुड़िक द्वारा 20 मार्क देवा पड़ो। अवशिष्ट 80 मार्क पर्याय परीक्षा अर्धवार्षिक किंवा मध्यमा परीक्षा एवं प्री बोर्ड परीक्षार स्कोर उपर आधारित होली बोर्ड कही। क्लास 10 परीक्षा फलाफल जून 20 में घोषित हो। तो निश्चित भाव में सीबीएसई अध्ययनरत द्वादश श्रेणीर छात्रछात्री मानी एक खुशीर खबर। जी आम परवर्ती अपडेट को अपडेट रही टीकाकरण संबंधी रविवार को छाड़ी सबुदिन राज्य में जारी टीकाकरण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग राज्य में टीकाकरण नहीं नुआ गाइडलाइन जारी कर राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग आसंता 5 तारिख 19 तारिख जाए राज्य में लकडाउन लागू होती टीकाकरण नहीं सानी विज्ञप्ति जारी कर राज्य सरकार। रविवार व्यतीत बाकी समस्त दिन में टीकाकरण जारी रहिबो। टीका नेबाकू चाहूଥିବା व्यक्ति माने निज निज व्यवस्था रे जाई सोमवार रु शनिवार मध्य टीका नहीं पारिबे। तो निश्चित भाव में एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट रविवार को बाद दिया जाइए टीकाकरण रु सोमवार शनिवार जाए आम टीकाकरण जारी रहिबो। जिबा आम परवर्ती अपडेट को व्हाट्सएप रे मिलिबो कोरोना टीकादान केन्द्र रो सूचना। देश में कोरोना संक्रमितों संख्या दिनक दिन बढ़ी चलता बेले एथिरु रक्षा पाइबापी देशर टीकाकरण प्रक्रिया जारी रही। कोरोना टीका को नहीं एवं भी लोक मन में अनेक सन्देह रही। वर्तमान समय ऑनलाइन बहु संख्यार लोक निकटवर्ती टीकाकरण केन्द्र अवस्थित संपर्क में सबुठार अधिक सर्च कर तेबे ए संपर्क में फेसबुक इंस्टांट मेसेजिंग आप व्हाट्सएप रे चैट कर ही घर पाखे टीकाकरण केन्द्र संपर्क में सूचना मिल पार। एने माई गव इंडिया ट्विटर हैंडल रे कहुई व्हाट्सएप रे माई गव कोरोना हेल्प डेस्क एबे लोकों को निकटतम टीकाकरण केन्द्र संपर्क सूचना देव। यह हिंदी एवं इंग्लिश उभय भाषा में उपलब्ध हो। एथिपई आपनकू निम्न प्रदत्त किछि पदांक को अनुसरण करने पड़ो। तो सर्वप्रथमे निज फोन रे 9013151515 नंबर सेव करंतु। नंबर सेव करिया परे फोन रे व्हाट्सएप खोलंतु। व्हाट्सएप खोलिया परे सेव करथिया नंबर सहित चैट बॉक्स खोलंतु। नमस्ते लिखि पठांतु। चैट बॉक्स आपनकू 9टी विकल्प सह रिप्लाई करिवो। टीकाकरण संपर्क में सूचना पाइबा को आपंकू 1 लिखि पठाइबा पड़ो। यापर आपंकू 2टी विकल्प मिलिबो। सेतिमध्यरु टीकाकरण केन्द्रर सूचना पाई आपंकू 1 लिखि पठांतु। यापर पिन कोड दियंतु। निज अंचलर पिन कोड लिखि पठाइबा पर निकटरे थिबा टीकाकरण केन्द्र विषय में आपंकू सूचना मिलिजिवो। तो गतकाली राति रे मु एई अपडेट टी पाइथिली। तो एई नंबर टी को सेव करी मु व्हाट्सएप रे मध्य चैट करथिली। तो चलन देखिबा व्हाट्सएप रे कौन केमती रिप्लाय आसी। तो देखंतु प्रथमे मु नमस्ते लिखि मेसेज सेंड करथिली एवं रिप्लाय मध्ये आस्तला। दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कोरोना हेल्प डेस्क टू क्रिएट अवेयरनेस एंड हेल्प यू एंड योर फैमिली स्टे सेफ फॉर एनी इमरजेंसी प्लीज कांटेक्ट। तो कांटेक्ट नंबर मध्ये रहिछि देखिनंतु 1075 गोटे रहिछि एवं मेल मध्ये रहिछि मेल आईडी फॉर द सेफ्टी ऑफ सेल्फ सोसाइटी एंड कंट्री प्लीज डाउनलोड आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप एंड कीप ब्लूटूथ ऑन। तो रही आमर 9टी ऑप्शन रही देवाई नमस्ते लिखला पर आसो। तो 9टी ऑप्शन रही प्रथम ऑप्शन रही कोविड वैक्सीनेशन सेंटर एंड ऑथेंटिक इनफॉरमेशन। 2 रही लेटेस्ट अपडेट एंड अलर्ट्स ऑन कोरोना वायरस। 3 रही प्रोफेशनल एडवाइस एंड वेज टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। 4 रही टुगेदर वी कैन सक्सेस स्टोरीज। 5 रही पॉजिटिव हार्मोनीज। 6 रही फैक्टर चेकर ऑथेंटिकेट न्यूज व्हाट इज कोरोना वायरस एंड व्हाट आठ आर इट्स सिम्पटम्स नौ रही ह्वाट इज सरी आठ रही ह्वाट इज रिड्यूस दि रिस्क ऑफ कोरोना वायरस एवं लास्ट रही व्हेयर टू गेट हेल्प नेशनल एंड स्टेट लेवल टिप मध्य रही यू कैन टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू मेक ए सिलेक्शन ऑफ द मेनू ऑप्शन एवं रही हिंदी में भाषा बदलने के लिए कृपया टाइप करें हिंदी या हिंदी हिंदी लिखे कि इंग्लीश रे पुणी हिंदी लिखले आमर हिंदी में रिप्लाई आसो देखु मुन लिखी सेंड करी और रिप्लाई आसाला कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स रिलेटेड इनफॉरमेशन और दुई था कोविड वैक्सीनेशन ऑथेंटिक इनफॉरमेशन टाइप मेनू टू व्यू दी मेन मेनू। तो ये था लाइव चार्ट मु आग को बढ़ी पारि ना तो ये मुझे रही जापर नेक्स्ट परवर्ती एक लिखी सेंड कले आमर सेंटर रिलेटेड इनफॉरमेशन आसी जापर जीव आम परवर्ती अपडेट को अंतिम अपडेट रही महामारी संकट बेले बंद अच्छी शिक्षादान केते फी ने स्कूल जानतु कौन कहले सुप्रीमकोर्ट सारा देश में जीवन जीविका उपर प्रभाव पकाई महामारी कोरोना महामारी संकट कारण दीर्घ दिन धरी शिक्षानुष्ठान बंद रही फल स्कूल फीस को नहीं अभिभावक मैंने चिंतार अच्छा कोरोना काल जीविका हराई बहु अभिभावक सेमानंक पिलामानंक स्कूल फीस को नहीं चिंतार बेले गत वर्ष विभिन्न राज्य में स्कूल फीस मामला कोर्ट रे पहुंचीला भिन्न भिन्न राज्य में फीस को नहीं उभय अभिभावक और स्कूल प्रशासन कोर्ट रे पहुंचीले एपरिकी स्कूल फीस मामला सुप्रीम कोर्ट रे मध्य पहुंचीला कोरोनार द्वितीय लहरी कारण पुणी थे स्कूल बंद रही एही मध्य सोमवार सुप्रीम कोर्ट राजस्थान एकाडेमिक सेसन 2020-21 रे स्कूल फी प्रसंग में शुणाणी कर स्कूल प्रशासन और अभिभावक मानकू अनेक निर्देश देइछंती राजस्थान 36,000 अणसंरक्षित घर विद्यालय को 2020-21 एकाडेमिक सेसन पर छात्र मान वार्षिक 15% कम देय नेबा सुप्रीमकोर्ट निर्देश देइछंती यह जदि कौन छात्र फीस दे पारे ना तेबे उक्त छात्र को भौतिक किंबा भर्चुआल रूप से होता शिक्षण कार्यक्रम में जोगदेवा बारण करा राजस्थान हाईकोर्ट को आदेश को सुप्रीमकोर्ट समर्थन करछंती एकाडेमिक सेसन 2020-21 रे छात्र किंबा अभिभावक माने 6टी समान किस्ती रे फीस प्रदान करेंगे महामारी कारण लॉकडाउन जोगु यह अप्रत्याशित परिस्थिति सृष्टि होईची जीवन जीविका उद्योग एवं देश उपर यह गुरुतर प्रभाव पकाई तेबे स्कूल गुड़िक जदि आहुरी अधिक छाड़ करने को चाहिए तेबे करिपारिबे बोली सुप्रीमकोर्ट कहिसेंती निकट में राजस्थान हाईकोर्ट कही घर विद्यालय गुड़िक केवल 70% ट्यूशन फी आदाय करने उचित फल बेसरकारी विद्यालय गुड़िक हाईकोर्ट यह निष्पत्ति विरुद्ध रे सुप्रीमकोर्ट रे पहुंची पूर्ण फी पर आवेदन करते तेबे राजस्थान हाईकोर्ट को निष्पत्ति को सुप्रीमकोर्ट स्थगित रखिंट। तो निश्चित भाव में एक बड़ अपडेट ये आम अपडेट गुड़िक समाप्त होती धन्यवाद। ये थिला आज अपडेट्स एमती किसी नुआ नुआ अपडेट्स सह मु पुणी आसबि आपनक निकट को तो ता आगु कहि रखिबी जे माने चैनल टिकु प्रथम थर विजिट करछंती चैनल टिकु सब्सक्राइब करंतु नोटिफिकेशन बेल टिकु प्रेस कर दियंतु एवं वीडियो टिकु लाइक तथा शेयर कर दियंतु धन्यवाद।